अशोक, जल्दी से आपके पास आते हुए एक छोटा सा रिएक्शन लेकर, बड़े पैमाने पर अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में 4 सीट जिन पर वो हारे थे वहां पर नए उम्मीदवार हैं, लेकिन दिल्ली में बड़ा फेरबदल किया गया है और कई ऐसे चेहरे जिनमें आप कह सकते हैं मंत्री भी मीनाक्षी लेखी थी उनको भी बदल दिया गया है, तो ये एक बड़ा बदलाव सबसे ज्यादा दिल्ली में ही दिख रहा है क्योंकि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन एक चुनौती है। बिल्कुल, तमाम चुनौतियां, परफॉर्मेंस, तमाम चीजों को देखते हुए फीडबैक के हिसाब से ही अंजना ये फिर बदल किया गया है। हालांकि मीनाक्षी लेखी और कई नाम, हर्षवर्धन का नाम भी पहले से लग रहा था कि इनको बदला जा सकता है क्योंकि बहुत सारे कारण थे, परफॉर्मेंस को लेके, कार्यकर्ताओं की फीडबैक, तमाम कारण थे। और जो गठबंधन हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो तमाम विश्लेषण करने के बाद ही, एनालाइज करने के बाद ही सिचुएशन को देखते हुए दिल्ली में 4 कैंडिडेट को बदला गया और सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को पहली बार मैदान में उतारा गया। पहला चुनाव है उनका, ना विधायकी का चुनाव लड़ा ना लोकसभा का चुनाव लड़ा। उनकी माँ सुषमा स्वराज जरूर यहाँ से चुनाव लड़ी थी, मुख्यमंत्री रही है दिल्ली की, लेकिन इन नए चेहरों में अगर देखा जाए, पूरा ओवरऑल लिस्ट की बात की जाए अंजना, दिल्ली के साथ साथ यूपी में भी कुछ चेंजेस किए गए लेकिन उम्मीद के मुताबिक उतने चेंजेस नहीं किए गए बाकी स्टेट्स में भी। लेकिन इसमें अगर पूरी लिस्ट को देखा जाए 195 की, महिलाओं को, युवाओं को और जातीय समीकरण, इनको तरजीह दी गई है। 50 साल से कम के उम्मीदवार अगर बात की जाए 47 उम्मीदवारों को उतारा गया है और महिलाओं को 28 महिलाओं को इसमें तरजीह दी गई है उम्मीदवार की लिस्ट में, SC ST और OBC। 27 सीटें शेड्यूल ट्राइब की 18 उम्मीदवारों को उतारा गया जबकि SC की 27 उम्मीदवारों को उतारा गया। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है, चाहे जातीय समीकरण हो, चाहे महिलाओं के हो या युवाओं के हो, तमाम जो विनिंग कैंडिडेट है। साथ में सबसे बड़ा फार्मूला तो यही है कि जो जीतने की संभावना है जिनमें ज्यादा है, फीडबैक लिया गया, विश्लेषण किया जाता है, चाहे कार्यकर्ताओं का अपने सर्वे करवाए जाते हैं, पार्टी के एक सर्वे नहीं कहीं कहीं सर्वे करवाते हैं, तो तमाम चीजों को देखते हुए चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो या बाकी स्टेट्स हो, उनको उनके हिसाब से ही उम्मीदवारों का चयन किया गया है और पार्टी उसी हिसाब से जो 370 और 400 पार का एनडीए का लक्ष्य है उसको देखते हुए पार्टी ने एक एक सीट के ऊपर पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की। एक एक सीट को पूरा इन्होंने उसी तरीके से उम्मीदवारों को उतारा गया क्योंकि एक एक सीट इनके लिए बहुत क्रूशियल है 370 और 400 को देखते हुए। अंजना, 72 सीटों पर पिछली बार नंबर 2 की पोजीशन पर बीजेपी आई थी और इसीलिए हिमांशु सीधे रुक करते हैं आपका क्योंकि आप वाराणसी पहुंच गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही नाम सबसे पहले लिया गया, सुरेंद्र पटेल के नाम की घोषणा कर दी थी अखिलेश यादव ने, लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग वहां पर हो गई फौरन नाम ले लिया गया क्योंकि शायद अजय राय ही वहां से, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है, वो उम्मीदवार बने। एक जीत के मार्जिन पर भी बीजेपी वहां पर काम करने की कोशिश करेगी और 164 के क्लस्टर में वो सीटें भी थी जहां पर वो हारे और वो भी जहां कम मार्जिन से हारे जीते। देखिए बिल्कुल अंजना, मैं उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीट पे हूँ जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है चुनाव लड़ते हैं 2014 के बाद से। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अभी सिर्फ 4 जो है कैंडिडेट चेंज किए, उसको डीकोड करने की अगर हम कोशिश करें तो उसमें मैं पाता हूँ कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी का जो अलायंस था वो सिर्फ अपना दल एस के साथ था और निषाद पार्टी की तरफ से था। निषाद पार्टी की तरफ से प्रवीण निषाद संत कबीर नगर से चुनाव लड़े थे बीजेपी के सिंबल पे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 अलायंस पार्टनर बढ़ाए हैं, RLD जयंत सिन्हा यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में जो जाट मतदाता हैं उनको रिझाने के लिए, दूसरी तरफ जो है राजभर नॉन यादव OBCs को रिझाने के लिए जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आप 2022 का विधानसभा चुनाव देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो है ब्रज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव जो है फेज वाइज आगे बढ़ता गया वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का रेशो था वो कम होता चला गया और ईस्ट पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाके है वो बिल्कुल इक्वल पे आ गए थे। इसीलिए राजभर को लेके आए, दारा सिंह चौहान को भी वापस लाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों को साधने की और ये कहें कि आप सोशल इंजीनियरिंग उसको साधने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी 4 ही उम्मीदवार बदले हैं, लेकिन उम्मीद है अभी क्योंकि मेनका गांधी है, वरुण गांधी है, वीरेंद्र सिंह मस्त हैं, तमाम ऐसे नाम हैं, मछली शहर है जिसका मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, BP सरोज 181 वोटों से चुनाव जीते थे, तो ऐसे अभी बहुत से नाम हैं जहां उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी है और वहां चेंज हो सकता है। उत्तर प्रदेश रोमांच बरकरार है, आप कह रहे हैं से बढ़ा के 4 अपने जी बिल्कुल हिमांशु, रोमांच बरकरार है क्योंकि सुल्तानपुर, पीलीभीत,
मेनका गांधी, वरुण गांधी, इन सीटों पर क्या होता है इस पर सबकी नजर रहेगी। हमारे साथ संजय कुमार जी भी मौजूद हैं। अभिषेक, छोटा सा एक जल्दी से रिएक्शन आपसे ले लेते हैं, फिर राजनीतिक मेहमानों की तरफ चलेंगे। अभिषेक, अभी रोमांच बरकरार है, अभी तो सुल्तानपुर, पीलीभीत, इन तमाम सीटों की, रायबरेली, इन सबके नामों का ऐलान होना है। सैंतालीस लोगों को रिपीट किया गया है 51 में, तो बाकी अभी जो बचे हैं तकरीबन 23 सीटें जो बीजेपी को अनाउंस करना है, ये रोमांच ही हो सकता है, क्योंकि माना जा सकता है कि इसमें से कुछ लोग बेशक रिपीट हो जाएं लेकिन कहीं ना कहीं होल्ड पर हैं, और इसमें से 23 में से ज्यादातर लोगों पर ये तलवार लटक रही है कि क्या ये रिपीट होंगे या फिर इनकी जगह बदला जाएगा। और उसमें आप देख लीजिए, मेनका गांधी हैं, वरुण गांधी हैं, संगमित्रा मौर्य हैं, इस तरह के ढेरों नाम है जो कि अभी भी होल्ड पर हैं। तो अगर किसी को रिपीट करना होता तो इस लिस्ट में होता, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर चर्चा अभी बाकी है, इसलिए रोमांच सचमुच बरकरार है। और 23 सीटें कम नहीं होती हैं, अगर 64 में अगर 23 सीटें देख लें तो 23 सीटें लगभग 1/3 से ज्यादा हैं। तो अगर इतने में कहीं ज्यादा बदलाव हो गए, अभी तो 4 हो गए, तो जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 1 दर्जन से ज्यादा बदलाव इसमें होने हैं। 4 हो गए हैं, 10-12 अगर और हो गए तो समझ जाइए कि तकरीबन 1/4 20% बदलाव हो सकते हैं अभी भी, तो इतना रोमांच तो जरूर बाकी है। अंजना, बिल्कुल, तमाम मेहमानों के पास अब जल्दी से चलते हैं। प्रेम शुक्ला जी, अभी अभी बीजेपी दफ्तर में आप बैठे हुए थे, लगता है वहीं से लाइव भी दे रहे हैं। एक बात बड़ी दिलचस्प है, ये सच है कि 28 आपने महिला उम्मीदवारों को दिया है, युवा जिसे राजनीति में कहा जाता है 50 साल से कम वालों को, ऐसे 47 लोग हैं, 27 शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है 18, 57 ओबीसी है, और ये सब कुछ आप लोगों ने नाम बताने से पहले ही वहां पर बीजेपी दफ्तर में बता दिया गया। लेकिन 195 में अब 4 भोजपुरी स्टार्स हो गए हैं, ये भी दिलचस्प है, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ और अब पवन सिंह की एंट्री हो गई आसनसोल से, गजब है। मतलब हम भाषा का भी अंत्योदय कर रहे हैं, हमने भाषा का अंत्योदय करत बानी, एमे का प्रॉब्लम बा? नहीं के प्रॉब्लम काहे के लिए, हम लोग तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बदल बदल के नए नए चेहरे, कुछ स्टार फैक्टर, कुछ ऐसा जी चमक धमक हो जाए, फिर वो आपके स्टार प्रचारक बन जाए, फिर हर जगह जा जाके गाना गाते रहें, तो ये सब भी अच्छा आप लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, उस पर मेरी टिप्पणी थी। कुल मिलाकर आपको क्या लग रहा है? नहीं, वो बड़ा सवाल पर अब आइए। भोजपुरी भाषियों का झंडा लहराना भी जो है शुभ लक्षण है। ठीक है, पवन, जरा पवन सिंह से पवन खेड़ा पर आते हैं, वो आपको घेर रहे हैं। पवन खेड़ा जी ने पूरे लाइव में यही कहा कि आप लोग जवाब दीजिए कि 4 ये जो एमपी आपने दिल्ली में बदल दिए हैं, तो उनके काम से जनता नाराज होगी? मतलब 5 साल उन्होंने जनता का कोई काम किया नहीं, तभी तो आपको बदलना पड़ा जी। अंजना जी, दरअसल पवन खेड़ा जी और कांग्रेस की शिकायत कह रहे हम फोकस में नहीं है, और जैसे ही भाजपा प्रवक्ता को उन्होंने विंडो में देखा निकल लिए वो, तो इनका संकट यही है। अब इसके इस तर्क से श्रीमती सोनिया गांधी से रायबरेली नाराज था, इसलिए वो राजस्थान चली गई, अगर यही तर्क है तो। अब दायित्व का परिवर्तन करना श्रीमान पवन खेड़ा की दृष्टि में, जो बहस करने से भाग खड़े हुए, वो उनके दृष्टि में जो है वो दायित्व का परिवर्तन करना जो है नाराजगी का सबब है। तो श्रीमती सोनिया गांधी से लोग नाराज हैं, श्रीमान राहुल गांधी से लोग भयंकर ही नाराज रहे, बेचारे अमेठी की तरफ जाने से डर रहे। आपने अमेठी का प्रश्न पूछा उनसे कि क्या अमेठी लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा क्या मोदी जी अमृतसर लड़ेंगे। अरे भाई, आप तो पहले कह रहे थे कि भाजपा के बारे में आप जो है सारी सलाह दिए चले जा रहे थे, कांग्रेस के बारे में प्रश्न हुआ तो खेड़ा जी बखेड़ा करके भाग गए, अजब है इनका। ठीक, अनुराग जी, आपसे एक कमेंट, यूपी की जो लिस्ट आई है, और यूपी में 4 ऐसी सीटें जहां वो हारे थे वहां पर उम्मीदवार बदले हैं, यानी उन्होंने बाय एंड लार्ज अपने सिटिंग एमपीज पर भरोसा जताया है। शुक्ला जी, हम बैठे हैं, हम भागे नहीं है, काहे परेशान है आप? तो देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये, अगर गलती से समाजवादी पार्टी की लिस्ट आउट होती, उसमें किसी परिवार का नाम होता तो अभी आप चिल्ला रहे होते, लेकिन आपने कैबिनेट मिनिस्टर की टिकट काट के एक परिवारवादी टिकट दी है, तो उस पर भी तो आपको कुछ बोलना होगा ना, जिनके पास अभी ऐसा कोई ज़्यादा पद नहीं था और आपने मंत्री की टिकट काट दी। हर्षवर्धन जी, जिसकी आप बड़ी तारीफ करते थे कोविड काल में, तो इतनी तारीफ उनकी हुई है और आज उन्हीं की टिकट आपने काट दी, तो आप जनता तो सवाल पूछेगी। दूसरा, टेनी आपने टिकट दी है ना, टेनी के बारे में क्या क्या नहीं, उनके बेटे के रोंदने का आरोप लगा, टेनी जी उसको बचाते घूम रहे थे, कितने उनके जो बयान बार बार आए थे, आज आपको वो अच्छे लग रहे हैं।
और आपको तो आप अपने कार्यकर्ताओं पे यकीन नहीं रहा, आप तो आप स्टार चाहिए आपको, बॉलीवुड स्टार पे आप डिपेंड होने लगे, चाहे उत्तर प्रदेश हो, अभी बिहार में भी कुछ आप करेंगे और पश्चिम बंगाल तक चले गए आप, सोचो आप। एक सेकंड, चांदनी चौक से जो प्रवीण कंडेलवाल को इस बार उम्मीदवार बनाया गया है, उनसे हमारे सहयोगी बात करें, बात कीजिए उनसे। कार्यों के मुद्दों को और दिल्ली के जितने भी मुद्दे उन सबको उठाकर जनता चलिए वापस सुनाएंगे, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जिस तरह से आप बॉलीवुड के स्टार को ला रहे हो, तो इसके मतलब आप तय है ना कि आपके पास कार्यकर्ता लड़ने को है ही नहीं। आपको पता है हमें वोट मिलेगा नहीं, तो हमें चकाचौंध की दुनिया में जाना है, वो थोड़ा सा जाके घूम घूम के नाच गाना करेंगे तो शायद आपको लगे भीड़ इकट्ठी हो जाए और हमें वोट मिल जाए, यही तो आपकी मानसिकता होगी। वरना आप बताइए कि आपके लिए जो जीते मरते लोग इतने दिनों से आप तो कह रहे थे 400 पार का नारा भी दे रहे थे, तो इसके मतलब आपको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, आपको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ रहा है। अभी तो और टिकटें आनी बाकी है और मुझे पूरा यकीन और विश्वास है आप इस तरह के लोगों को टिकट लड़ाएंगे, इसके मतलब आप मान लीजिए कि आप अपने ऊपर विश्वास खो चुके हैं, तभी आपको इन सबको जोड़ना पड़ रहा है। और देखिए कमाल की बात है, आप जब हमने जया बच्चन जी को टिकट दी थी तब आप तो कह रहे थे भाई कि देखो ये लोग बॉलीवुड के लोगों को इन्होंने टिकट दी है, तब उसमें आप बहुत सी चीजें खोज रहे थे, अब आपका क्या हो गया बताइए आप, तो आप अपनी अपनी चीज पर टिकते कहां है, नई दिल्ली से बताइए। किस बीजेपी के नेता ने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री से आपने टिकट दिया? क्यों ये लोग बोलते नहीं थे हमेशा जया बच्चन जी को, क्यों दिया आपने? बोला क्योंकि इनके यहाँ तो भरे हुए हैं, मथुरा में हेमा मालिनी से लेकर तमाम फिल्म स्टार हैं, सनी देओल, बहुत सारे हैं। ये तो हमेशा से यही बोलते आए हैं कि भाई अभी आप ये हमेशा बोलते थे संजय जी बॉलीवुड का डांस हो रहा है, अभी संस्कार को जो सांस्कृतिक प्रोग्राम राहुल गांधी ने कहा था कि ऐश्वर्या जी वहाँ पर सब नाचने वाले, ये लोग ही बोलते थे। ठीक है प्रेम जी, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, एक बार एक सेकंड रुक जाइए, हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं, अब सुनाइए, प्रवीण खंडेलवाल से बात कीजिए। चांदनी चौक सीट से बीजेपी ने कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल को लोकसभा चुनावों के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, कितनी चुनौती है सर इस बार? कोई चुनौती नहीं है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम दिल्ली की 700 सीटें जीत रहे हैं, देश में सरकार बना रहे हैं, अब की बार 400 पार। मुद्दे क्या क्या हैं? मुद्दे भाजपा नेतृत्व जो तय करेगा उन मुद्दों को लेकर के हम कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर मतदाता के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे मोदी गारंटी क्या है और पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी ने और सरकार ने जो काम किए हैं, एक एक काम हम लोगों को बताएंगे जिससे कि और आने वाले 5 सालों में किस प्रकार से भारत का भविष्य सुनहरा होगा उसकी चर्चा सब लोगों के साथ मिलकर के करने वाले हैं। व्यापारी संगठन से आप आते हैं, तमाम व्यापारियों के अलग अलग मुद्दे हैं, क्या उन मुद्दों को भी उठाएंगे? देखिये ना केवल व्यापारी बल्कि चांदनी चौक के रहने वाले हर व्यक्ति के साथ उसके मुद्दों को हम सुलझाएंगे और ये हमारा वचन है। इंडिया गठबंधन सामने है, वो बेमेल गठबंधन है, वो किसी प्रकार का गठबंधन नहीं है, वो पहले एक दूसरे को कोसते हैं, बाद में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हाथ मिला लेते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, उनका फरेब जाल दिल्ली के लोग जान चुके हैं, लिहाजा उसमें कोई फंसने वाला नहीं है और दिल्ली में 700 सीटें जीत रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, प्रवीण खंडेलवाल जिनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली की 700 लोकसभा पर बीजेपी जो है वो अपनी जीत जो है वो दर्ज कराएगी, बीजेपी अपने मुद्दों को, व्यापारियों के मुद्दों को और दिल्ली के जितने भी मुद्दे उन सबको उठाकर जनता के सामने रखेगी। कैमरा पर्सन अजीत सिन्हा के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। तो सुशांत हमारे सहयोगी प्रवीण खंडेलवाल से बात कर रहे थे, एक व्यापारी हैं और सक्रिय काफी दिनों से वो बीजेपी की तरफ से ट्रेडर्स एसोसिएशन में थे, लेकिन ये वो सीट है जहां पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने जीत पिछली बार पाई थी, इस बार उनका टिकट काट दिया गया है और प्रवीण खंडेलवाल को वहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है।